हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। जैसा कि हमारी सीरीज में जेक्वेरी ट्यूटोरियल देख रहे हैं और इसमें हम पार्ट 8 है जिसमें हम देखेंगे अपेंड एंड प्री पेंट मेथड। तो हम इसको कोडियो पर आते हैं, उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैंने यहां पर एक बेसिक एचटीएमएल लेआउट बना रखा है और यहाँ पर जो लाइब्रेरी उसे इम्पोर्ट करवा रखा है। देन जो स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग लगता है वो है। उसके बाद में एक डीयू बना रखा है मैंने, जिसकी आईडी मैंने D1 दे रखी है। स्टाइल में विड्थ 200 पिक्सल, देन हाइट 200 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज है। इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ माय प्रोजेक्ट, जैसे सेव करता हूँ और इसके आउटपुट देखते हैं हम। इस तरह से दिख रहा है माय प्रोजेक्ट। देन मैं कोड व्यू पर आता हूँ, यहाँ पर मैं एक बटन लगा लेता हूँ। दो बटन लेंगे हम, पहला बटन होगा बटन, इसमें दे देता हूँ मैं अपेंड, देन यहाँ पर मैं इसकी आईडी देता हूँ BTN, जिसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे फिर पेस्ट करता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं प्री पेंट, देन इसको मैं BTN1 दे देता हूँ। अब इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं बेसिक सिंटेक्स लिख लेता हूँ, ये बेसिक सिंटेक्स होता है। यहाँ मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट जिसके अंदर रेडी डॉक्यूमेंट, अब रेडी हो तब फंक्शन एग्जीक्यूट हो, फंक्शन देन फंक्शन रिजल्ट। फंक्शन में क्या होगा, वही बेसिक सिंटैक्स फिर लगाएंगे हम कि जो हमारा हैज BTN है, हैज BTN है, उस पर जब क्लिक हो तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्या फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो क्या जो हमारा D1 है उसमें कुछ अपेंड करना है, तो अपेंड करो, क्या अपेंड करो HD, देन सेव। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अपेंड आ चुका है। जब मैं अपेंड पर क्लिक करूंगा तो ये काम नहीं कर रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो हमने यहाँ लिखा है रिफ्रेश किया और जब मैं क्लिक को अपेंड करना काम नहीं कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक तो D1 पे मैंने डॉलर लगा रखा था, इसकी जगह रिफ्रेश करता हूँ और जब मैं पर क्लिक करता हूँ अभी भी ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, इसकी आईडी क्या है BTN, और BTN पर जब क्लिक हो तो फंक्शन हो, यहाँ पर अपेंड रिफ्रेश किया और क्लिक किया, ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, तो हैज D1 IDS की D1, इसका D है, बैकग्राउंड ऑरेंज, विड्थ हाइट सब सही है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी होता है, फंक्शन एग्जीक्यूट हो, हैज BTN, देन क्लिक, इवेंट परफॉर्म होगा। तो हमारे इसमें जो दिक्कत आ रही थी वो ये दिक्कत थी कि हमने यहाँ पर सेमी कॉलन की जगह कॉलन लगा रखा है। तो हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं, देन इसे फिर सेव करके रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर आकर। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपेंड हो रहा है, ये इस माय प्रोजेक्ट के बाद में अपेंड हो रहा है लिखा जा रहा है। ये देखिए इस तरह से मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, जितनी बार क्लिक करूँ उतनी बार इस पर अपेंड हो रहा है। देन जो हमारा सेकेंड फंक्शन होता है प्री पेंट, तो हम उसके लिए यहाँ से लिखते हैं, फिर वही बेसिक सिंटेक्स लगाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैज BTN, BTN1 डॉट क्लिक, क्लिक हो तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो। उस फंक्शन में क्या होगा कि जो हमारा हैज D1 है उस पर
प्रिपेंड करो। HD देने से मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पर आकर। तब हम यहाँ पर देखते हैं, तो आप ये देखिए HD हमारा जो माय प्रोजेक्ट है उसके पहले स्टार्ट हो रहा है। देन जब अपेंड करता हूँ तो बाद में, देन प्रीपेंड करने पर पहले, इस तरह से ये अपेंड और प्रीपेंड फंक्शन वर्क करता है। तो ये थे अपेंड एंड प्रीपेंड फंक्शन। अभी की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए रहे हो तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की रिसेंटली अपडेट मिलती रहे।